सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन को हम बहुत ही शानदार सेशन बनाने वाले हैं। ये बहुत ही अपने तरीके का अद्भुत सेशन होने वाला है, अपने तरीके का अद्भुत शानदार। और आप निश्चित रूप से इस सेशन को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर किए बिना खुद नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैं आज आप लोगों को लाइक और शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। आज के सेशन में क्या होने वाला है, देखिए आज के सेशन में हम द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं और इस एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये आज के द हिंदू का एडिटोरियल है और इसका टाइटल होने वाला है स्टेप बाय स्टेप, ये इसका टाइटल है। और इस एडिटोरियल को आज हम पढ़ेंगे। बेटा, मैंने एडिटोरियल को अलग जगह पे नोट कर लिया है, अलग जगह पे टाइप कर लिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको पैराग्राफ वाइज समझाया जा सके, ताकि आपको सेंटेंस वाइज समझाया जा सके, और न केवल समझाया जा सके बल्कि इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जा सके, ताकि आप इसकी पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रखें और जब भी आपको रिवीजन करना हो तब आप इसका आराम से रिवीजन कर सकें, पीडीएफ से रिवीजन कर सकें, वीडियो को दोबारा देख के रिवीजन कर सकें। तो अब हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू हम करेंगे एक बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ, थे जो आपको एक नई ऊर्जा, जोश और उमंग से भर देगा। कोटेशन इस तरह से है, बहुत शानदार छोटा सा कोटेशन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। स्टार्ट डूइंग किसी भी काम को अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट डूइंग, काम करना शुरू तो कीजिएगा, अपनी तैयारी शुरू तो कीजिएगा। स्टार्ट डूइंग, और फिर क्या करना है, कीप डूइंग। स्टार्ट डूइंग एंड कीप डूइंग, और फिर करते रहो बस, यही सफलता का मंत्र है। शुरू करो और फिर करते रहो। देखो, बहुत गहरी बात है, रुकना नहीं है। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक क्या है, कीप डूइंग, कीप स्टडिंग, कीप मूविंग, कीप गोइंग, आगे बढ़ता रहना है, चलते रहना है। हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अब हम शुरू करते हैं, कैसे पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे। देखो, आज तो हमारा जो एडिटोरियल है वो भी हमारी बात में बात मिला रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस एडिटोरियल का जो ये टाइटल है स्टेप बाय स्टेप, ये किससे संबंधित, मैं आपको बता देता हूँ। अभी चाइना और इंडिया की जो आर्मीज हैं उनके बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट है, उनका विवाद है, कन्फ्रंटेशन है। उस विवाद को दूर करने के लिए कल जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बारे में ये आर्टिकल है। इसका मतलब आर्टिकल कैसा है, कैसा है भाई, फॉरेन रिलेशन से संबंधित है, विदेश संबंधों से संबंधित क्या है, आर्टिकल है, और शानदार आर्टिकल है। हम इसको अब देखते हैं। आर्टिकल का स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है कदम दर कदम, एक कदम के बाद दूसरा कदम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब ये स्टेप जो है ये नाउन है, यहाँ स्टेप क्या है बेटा, नाउन है, बाय प्रपोजिशन है, और दूसरा स्टेप भी क्या है, नाउन है। अब आपको ये देखिएगा ग्रामर का क्या बिंदु है, यहाँ कई कई बार एग्जाम में आता है स्टेप्स बाय स्टेप्स लिख दिया जाता है, स्टेप्स बाय स्टेप्स लिख दिया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर गलत होती है, ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए। जब इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो उसमें दोनों के दोनों नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, बाय के बाद कई बार आफ्टर प्रयोग होता है, जिस तरीके से क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, तो इसमें भी क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस नहीं होता है। क्या होता है, क्वेश्चन यानी दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर ही होंगे, और उसके बाद आने वाली वर्ब, यदि ये सब्जेक्ट होते तो वर्ब भी कैसी होती, इसमें सिंगुलर ही होती। तो ये चीज़ हमने एक पढ़ ली है, स्टेप बाय स्टेप, जिसका मतलब होता है कदम दर कदम और ग्रेजुअली। अब हम इसका पहला सेंटेंस लेंगे, इस एडिटोरियल का जो पहला सेंटेंस है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे क्या है उसमें। देखिएगा भैया,
टॉक्स, ये इसका सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट, टॉक्स इसका सब्जेक्ट है और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रनाउन होता है, इसलिए यहाँ ये जो वर्ड टॉक है ये क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है और उसका प्लूरल फॉर्म यहाँ यूज हुई है टॉक्स, यानी जो बातचीत हुई है वो किनके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रेजोल्यूशन, ये यहाँ है इसके बीच में मैंने इसके मीनिंग लिख दिए हैं। टॉक्स विल नॉट फाइंड, जो बातचीत है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगी, वो नहीं पा पाएंगी क्या, इमीडिएट तुरंत, रेजोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी इन बातों से तुरंत कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अभी जो बात हुई है उनसे तुरंत कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कहाँ, टू द LAC स्टेंट ऑफ, LAC जो बॉर्डर की जो लाइन है वहाँ स्टेंड ऑफ, उसके स्टेंड ऑफ पे वहाँ जो गतिरोध है उसका तुरंत कोई हल नहीं निकलेगा। बट ए स्टार्ट हैज बीन मेड, लेकिन एक शुरुआत कर दी गई है, स्टार्ट हैज बीन मेड, समझ गए भी आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ये पहला सेंटेंस जो एडिटोरियल का है वो कंप्लीट होता है यहाँ, तो आप सेंटेंस टू सेंटेंस समझेंगे तब आपको ट्रांसलेशन करने में चीज़ें अच्छी लगेंगी, आप ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, कंप्रेहेंशन में दिक्कत आती है, तो हमने सोचा क्यों नहीं बच्चों को और अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। ये देखिएगा समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है, टॉक्स विल नॉट फाइंड, बातों से नहीं पता चलेगा, बातें नहीं प्राप्त कर पाएंगी क्या, इमीडिएट रेजोल्यूशन तुरंत समाधान किसका, स्टैंड ऑफ का जो कहाँ है, LAC पे है स्टैंड ऑफ का गतिरोध, लेकिन स्टार्ट हैज बीन मेड, लेकिन एक स्टार्ट, एक शुरुआत तो की गई है। ये तो होगा इसका ट्रांसलेशन। अब देखो हम इसको चीज़ों को समझते हैं, एक वर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट आया वो कौन सा है, इमीडिएट वर्ड है, तो इमीडिएट वर्ड के जो सिमिलियर वर्ड है वो मैंने यहीं लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, आप इसकी PDF प्राप्त कर लें तो इसको रिविजन भी कर लेंगे। इमीडिएट का मतलब होता है इंस्टेंट, क्या होता देख लीजिएगा आप इसको समझिएगा, इमीडिएट के ये सिमिलियर वर्ड्स हैं इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है इंस्टेंट तुरंत, स्विफ्ट बहुत तेज, क्यूक बहुत तेज, एक्सपेडिशस होता है एक्सपेडिशस, ये भी होता है तुरंत, एक्सपेडिशस का मतलब होता है जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है उसको क्या कहते हैं, इमीडिएट कहते हैं, इंस्टेंट कहते हैं, स्विफ्ट कहते हैं, क्यूक कहते हैं, एक्सपेडिशस कहते हैं, तो ये वर्ड इसके सिमिलियर वर्ड हैं। जब भी आप इसको दोबारा रिवीजन करेंगे तो ये वर्ड आपको यहाँ मिलेंगे, आपको याद रह जाएंगे। इसका जो हिंदी वर्ड है वो क्या है, तुरंत वर्ड है, ठीक है। इसका ऑपोजिट वर्ड, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना बेटा, ये किसका है, इसके ऑपोजिट का है, और इसका मतलब होता है डिलेड, देरी से, इंस्टेंट का मतलब तुरंत बहुत जल्दी से, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, देरी से। तो ये हमने इसके वर्ड देखे यहाँ। एक और वर्ड होता है इसका ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, इंस्टेंट का मतलब तुरंत और ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। उसका रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, क्या होता है, सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन, ये आप इसको एक देखो, रेजोल्यूशन का मतलब और भी एक वर्ड होता है जिसमें आप पे प्लान होता है, प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है, डिसीजन होता है, सेम स्पेलिंग है, ये मीनिंग भी होते हैं, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या है, क्या भी है इसका मतलब सॉल्यूशन है। उसके बाद तीसरा वर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, स्टैंड ऑफ वर्ड है इसमें, और स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, गतिरोध, क्या होता है इसका मतलब, गतिरोध, और गतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेडलॉक, क्या कहते हैं बेटा, डेडलॉक। जो बच्चे रोजाना एडिटोरियल सुनते हैं, देखो इसकी 11 बजे रोजाना क्लास होती है, लाइव क्लास होती है 11 बजे रोजाना, तो आप पे जो नए बच्चे हैं वो तुरंत आ जाएं और सुने रोजाना, डेडलॉक गतिरोध होता है। दूसरा वर्ड होता है स्टेलमेट, क्या वर्ड होता है, STAL स्टेलमेट होता है, ये भी गतिरोध होता है। उसके बाद में एक वर्ड इम्पास, IMPASS, ये भी क्या होता है, गतिरोध होता है। तो ये चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी। अब देखिएगा ये वर्ड जो है रेजोल्यूशन, ये क्या है, नाउन है ये, एन इमीडिएट रेजोल्यूशन वर्ड है, तो एन के बाद नाउन आना जरूरी था,
लेकिन उससे पहले ये क्या गया, एडजेक्टिव आ गया, और उसके बाद ये क्या गया, नाउन आ गया। तो रेजोल्यूशन नाउन है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इसके एडजेक्टिव है ये। उसके बाद में स्टेन ऑफ, ये भी क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके साथ भी क्या है, आर्टिकल आया है। किस प्रकार का गतिरोध, जो LAC पे गतिरोध है वो, तो ये भी क्या है, नाउन है। तो इसके सिमिलियर वर्ड होंगे वो भी सारे क्या होंगे बेटा, नाउन होंगे। डेडलॉक है, स्टिलमेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन है। अब इस पैराग्राफ में हमने वर्ड से संबंधित सारी चीज़ें देख ली, अब हम इसको ग्रामर देखते हैं। देखो नीचे हमने लिखा है, इसमें ग्रामर से संबंधित कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। पहला तो बट का यूज हुआ है, ये देखो ये रहा बट का यूज, बट का एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। बट जब कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है टू जॉइन कंट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट्स। कंट्राडिक्ट्री का मतलब होता है उल्टे, विरोधाभासी। कंट्राडिक्ट्री का मतलब होता है CONTRADICTORY, कंट्राडिक्ट्री का मतलब होता है विरोधाभासी या उल्टे प्रकार के, ठीक है। तो उनके लिए बट यूज होता है, इसका ऑपोजिट जो होता है वो एंड होता है, एंड। कैसे, देखो यहां भी उल्टा हुआ है कि जो टॉक्स है, जो बातचीत है, उनसे तुरंत तो कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन क्या शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई, स्टार्ट मिल गया है एक। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, ये तो आप समझ ही जाएंगे हो गया। उसके बाद में दूसरी क्या समझाना है मुझे आपको ग्रामर में, वो समझाना है ये। देखो ये स्ट्रक्चर है, स्टार्ट हैज बीन मेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। स्टार्ट हैज बीन मेट, ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस होती है। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए, स्टार्ट हैज बीन मेट, हैज प्लस थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी पैसिव वॉइस जो बनती है has been प्लस थर्ड फॉर्म बनती है। समझ में आ गया, यानी ये किसकी पैसिव वॉइस है, has प्लस थर्ड फॉर्म, और उसकी पैसिव वॉइस क्या बनाई हुई है, has been प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है कौन से स्ट्रक्चर में है, बोलिए बेटा कौन सी में है, ये है पैसिव स्ट्रक्चर में। बेटा कोई भी बच्चा यदि इंग्लिश सीखना चाह रहा है और वास्तव में सीखना चाह रहा है तो उसको इससे अच्छी क्लास कहाँ मिलेगी बताइए। एक एक चीज हम जो शुरुआत से बच्चा सीखना चाह रहा है, सभी चीजें हम उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाले हैं, बस वो रोजाना वीडियो देखे और अपने साथियों के साथ भी इसको साझा करें। और देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, टॉक और एक स्टार्ट। कहां यूज हुए हैं, देखो इसमें यहां टॉक वर्ड यूज हुआ है और यहां क्या वर्ड यूज हुआ है, स्टार्ट वर्ड हुआ। ये दोनों के दोनों वर्ड यहां नाउन के रूप में यूज हुए हैं, टॉक और स्टार्ट दोनों किसके रूप में, नाउन के रूप में। जबकि बेसिकली ये दोनों ही क्या है, वर्ब हैं, क्रिया हैं। तो इनको हमने बताया कि आपको ये क्रिया भी होती है और ये क्या होती है, नाउन भी होते हैं। यहाँ नाउन के रूप में है, क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में इनको कैसे यूज किया जाता है, देखो इस तरीके से ये वर्ड है, सी वॉन्ट्स, वह चाहती है टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहती है। तो यहाँ जो टॉक वर्ड है ये क्या है, ये यहाँ वर्ब है। क्लियर हो गई बात। स्टार्ट योर स्टडीज, ये जो स्टार्ट वर्ड है यहाँ ये क्या है, वर्ब है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा, स्टार्ट योर स्टडीज। तो ये चीज़ थी जो हमें एडिटोरियल के, आज के द हिंदू एडिटोरियल के पहले पैराग्राफ में हमें सीखने को मिली, वो सब चीज़ें आज हमने सीखी। यदि आपको लगा हो कि मेथड बहुत अच्छा है तो अभी इसको लाइक कर दें, अभी शेयर करें। बेटा मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए इस प्रकार की मेहनत करना चाह रहा हूँ कि सब बच्चों को बहुत फ़ायदा हो, ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के सजेशंस आने चाहिए, आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, आप लोगों के लाइक्स आने चाहिए, आप लोगों के शेयर्स आने चाहिए। कम से कम इतनी आशा तो मैं आपसे रख ही सकता हूँ, जब मैं आप लोगों के लिए इतना सारा करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की, आप लोगों को पढ़ाने की। तो कम से कम इतनी आशा तो मैं आपसे रखता हूँ कि आप इसको बहुत दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाएंगे। अब हम सेकेंड पैराग्राफ शुरू करते हैं इसका, पहले वाले का हो गया, हमने सेकेंड पैराग्राफ को भी यहाँ लिख लिया है आप लोगों के लिए अलग से समझाने के लिए। देखो क्या है, वेद ऑफिसल, इसको ऑफिसल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफिसल बोलेंगे। वेद ऑफिसल्स
टॉक्स, आधिकारिक स्तर की बातचीत। टॉक यहाँ नाउन हो गया, अभी समझा है। ऑफिशियल ये एडजेक्टिव है। विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडर वे, गेटिंग अंडर वे का मतलब होता है टू गेट अंडर वे, मुहावरा होता है टू गेट अंडर वे। क्या मतलब होता है इसका देखिएगा, हमने इसी के आगे इसका लिख दिया है, ये देखो ये इसका मतलब है। टू गेट अंडर वे का मतलब होता है, क्या होता है समझिएगा, टू गेट अंडर वे टू इनिशिएट, किसी काम की शुरुआत करना, पहल करना, ये होता है इसका मतलब। टू मेक ए स्टार्ट, शुरुआत करना, टू बिगिन, शुरुआत करना। अब आपको समझ में आ गया कि टू गेट अंडर वे क्या होता है, आप आराम से कर लेंगे। विद ऑफिशियल्स टॉक्स गेटिंग अंडर वे, किनके साथ ही, आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरू होने के साथ ही। कब शुरू हुई, ओवर द वीकेंड, वीकेंड पर, सैटरडे पर। द मंथ लॉन्ग, उसके साथ ही क्या हुआ, द मंथ लॉन्ग, महीने भर का लंबा स्टेंड ऑफ गतिरोध, इस वर्ड को हम देख चुके हैं। जो ही, किसके साथ ही, आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरू होने के साथ ही, महीने भर का लंबा, मंथ लॉन्ग स्टेंड ऑफ क्या था, गतिरोध था। किनके बीच में, बिटवीन, बिटवीन प्रपोजिशन है जिसका प्रयोग दो के लिए किया जाता है। किसके बीच में, बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, जो गतिरोध था एक महीने भर से, किनके बीच में, चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में था। कहाँ, अलोंग द LAC, LAC के सहारे सारे, LAC पर, उस लाइन ऑफ, उस पर, इन कहाँ, इन लद्दाख एंड सिक्किम, जो लद्दाख और सिक्किम में जो गतिरोध था, LAC के सारे सारे, बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन सोल्जर्स, हैज एंटर्ड, वो प्रवेश कर गया है, अ मोर कंसीडर्ड, एक ज़्यादा, कंसीडर्ड मोर यानी ज़्यादा, कंसीडर्ड का मतलब होता है केयरफुल, सोचा समझा। कंसीडर्ड का मतलब क्या है, एडजेक्टिव है भैया, कंसीडर्ड का मतलब होता है केयरफुल, देखो लिखा हुआ है केयरफुल, और कॉशस सावधानी पूर्वक तरीके से, जुडिशियस सचेत तरीके से, फेज यानी चरण, उसके साथ ही फेज एंड चरण होता है, समझ गए आप लोग। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्या कहना चाह रहा है, विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडर वे, आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरुआत के साथ ही, ओवर द वीकेंड, जो सप्ताह के अंत में हुए, द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, महीने भर का लंबा जो गतिरोध है, बिटवीन किन के बीच में, भारतीय और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, अलोंग द LAC पे, कहाँ, लद्दाख और सिक्किम में, हैज एंटर्ड, वो प्रवेश कर चुका है, ए मोर कंसिडर्ड फेज, एक ज़्यादा सावधान, एक ज़्यादा केयरफुल चरण में, एक ज़्यादा अच्छे चरण में पहुँच चुका है, एंटर कर चुका है। अब देखो बेटा, आप इसमें समझने की कोशिश करें, इसमें वर्ब जो है वो हैज है, इसलिए इसके साथ निश्चित रूप से कॉइन को जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इस वर्ब से आप इसका सब्जेक्ट ढूंढे कहाँ है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट ये है द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, ये सब्जेक्ट है, महीने भर का लंबा जो गतिरोध है वो हैज एंटर्ड अ मोर कंसीडर्ड, सीधा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, हैज एंटर्ड वो प्रवेश कर चुका है, अ मोर कंसीडर्ड फेज, एक ज़्यादा सावधान चरण में प्रवेश कर चुका है। अब ये बाकी जो चीज़ें हैं इसमें वो सब एडिशनल हैं, ये जो स्टैंड ऑफ जो था, गतिरोध था किन के बीच में, भारतीय और इन सेनाओं के बीच में, कहाँ था, ये सब है। तो वर्ड्स हमने इसके देख लिए, अब देखिए इसमें ग्रामर का क्या समझना आप लोगों को, ग्रामर का हमने समझना बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन क्या होती है, प्रेपोजिशन है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, के बीच में, किन के बीच में, दो के बीच में, बिटवीन की जगह है बिटविक्स्ट भी लिखा जा सकता है, BETWIXT, हालांकि ये वर्ड आजकल प्रयोग नहीं होता है, बिटविक्स्ट आजकल ज़्यादातर यूज नहीं होता ये सब, तो फिर भी हमने इसको आपके लिए जानकारी के लिए आपको बता दिया है। एग्जांपल देखिएगा इसको, सी सिटिंग बिटवीन टू वीमेन, टू वीमेन, वो किन के बीच में बैठी है, दो महिलाओं के बीच में बैठी है। बिटवीन का प्रयोग या तो ऐसे होता है या फिर बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, सी इज सिटिंग बिटवीन, इसकी जगह लिखा जा सकता था राहुल एंड लिखेंगे, फिर
राहुल एंड पूजा, ठीक है। तो ये बिटवीन का प्रयोग हमने सीखा इसमें, और देखिए क्या सीखा, एक इसमें अलोंग का प्रीपोजिशन है। कौन सी प्रीपोजिशन काम में ली हुई है? अलोंग प्रीपोजिशन काम में ली हुई है। अलोंग का मतलब होता है किसी के सहारे सहारे, इस तरह से कोई लाइन है उसके सहारे सहारे, उसको अलोंग कहते हैं। क्या है इसका मतलब देखिएगा, फॉर्मिंग ए लाइन बिसाइड समथिंग लॉन्ग, कोई लंबी चीज़ उसके साइड साइड में एक लाइन के जैसा बनाना, फॉर्मिंग ए लाइन बिसाइड समथिंग लॉन्ग, इसको क्या कहते हैं, इसको अलोंग कहते हैं। तो अलोंग प्रीपोजिशन है, ठीक है। जिस तरीके से एग्जाम्पल देखिएगा, दे वर वॉकिंग अलोंग द रॉड, इस तरीके से वो वॉक कर रहे थे। तो ये जो है ये क्या होता है, अलोंग होता है। अलोंग एक वर्ड होता है, अलोंग विद एक वर्ड होता है, अलोंग विद किसी आदमी के साथ आप जाते हैं तब उसके लिए अलोंग विद प्रयोग किया जाता है। तो ये दो सेंटेंसेस, दो पैराग्राफ हमने क्लियर करने की कोशिश की है। बेटा एडिटोरियल को इस तरीके से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से ये आपको ज़्यादा फायदा देता है, बजाय आप सिर्फ उसको ट्रांसलेट करते चलें उससे कम फायदा होता है। अब आते हैं हम इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है उसमें, ये देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन। ये पूरे का पूरा एक पैराग्राफ है यहाँ से लेके, देखिएगा सेंटेंस कम से कम भी तो ये 6 या 7 लाइन का एक वाक्य है। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, कहाँ से, यहाँ से शुरू होके, यहाँ से शुरू होता है ये और यहाँ अंत तक, आगे तक, यहाँ तक एक ही सेंटेंस है ये। तो देखिएगा इतने बड़े सेंटेंस को आप लोग कैसे ट्रांसलेट करोगे, कितने अच्छे से करोगे वो समझो। देर वॉज लिटल एक्सपेक्टेशन, तो सबसे पहले तो ये समझिएगा वॉज जो वर्ब आई है वो क्यों आई है। यहाँ नियम ये होता है कि जब देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में यूज हो, जब देयर को वाक्य की शुरुआत में यूज करें तो उसके साथ जो वर्ब आती है उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन के रूप में के लिए आती है, समझे कुछ। तो ये क्या है, लिटिल एक्सपेक्टेशन है। देखो ये अनकाउंटेबल है, कम एक्सपेक्टेशन ये मान लेते हैं, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो क्या आना चाहिए, यहाँ वॉज आना चाहिए। तो ये क्या गया, वॉज आ गया, ठीक है। तो वॉज का प्रयोग क्यों आया ये हमने समझ लिया। यहाँ देर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन, बहुत कम आशा थी, एक्सपेक्टेशन नाउन है, दैट की किस बात की कम आशा थी, दैट की द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है, बहुत कम आशा थी कि द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, दिन दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग, फ्राइडे को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, हेल्ड जो हुई बिटवीन, किन के बीच में, बिटवीन हमने पढ़ लिया, हेल्ड हॉल्ट की थर्ड फॉर्म है, बिटवीन किन के बीच में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसको विदेश मंत्री बोलते हैं हमारे यहाँ, विदेश मंत्रालय क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिसर्स, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के, इन दिल्ली, दिल्ली में, एंड देयर उनके, किनके, विदेश मंत्री जो मतलब विदेश मंत्रालय उसके अधिकारियों के, देयर ये देयर इनके लिए है, ऑफिसर्स के लिए, एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स इन बीजिंग, और उनके काउंटर पार्ट्स इन बीजिंग, काउंटर पार्ट्स यानी उनके जो समकक्ष हैं, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, यानी हमारे अधिकारी और उसी लेवल के, कहाँ, चाइना के बीजिंग के जो अधिकारी हैं उनके बीच में क्या हुई। देखिए बिटवीन का प्रयोग हुआ है, किन किन के बीच में, इनके बीच में दिल्ली में, और एंड का प्रयोग हो गया, इनके बीच में बीजिंग में, एंड टॉक्स बिटवीन, और क्या थी, और जो बातचीत हुई थी, टॉक्स बिटवीन किन के बीच में, लेह कौ, इसको देखो इसका सही ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कॉप्स नहीं होता है, CORPS कॉप्स को ही होता है, कौ कौ पे, ये जो पी होता है साइलेंट होता है, को बोलते हैं इसको, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं ये, और जो बातचीत हुई थी, टॉक्स हुई थी किनके बीच में, ले कौ कमांडर्स, ले में जो कमांडर्स हैं उनकी, किसके साथ, विद यानी साथ, द साउथ सिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर, उन कमांडर के साथ हेल्ड जो हुई थी, इन द कहाँ हुई थी, भी कोसुल मोल्डो, ये क्षेत्र का नाम है भाई, रीजन उस क्षेत्र में, ऑन चाइना साइड, किसकी साइड में, चाइना की साइड में, ऑफ द एलएसी ऑन सैटरडे,
एक तो फ्राइडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और एक सैटरडे को ही, वुड बेयर फ्रूट इमीडिएटली, ऐसा लग नहीं रहा था। देखो ये जो पूरा कहा गया है पैराग्राफ में, ये दो स्तर की बातचीत हुई है, एक मिनिस्ट्री लेवल की और एक ऑफिसर्स लेवल की, उन दोनों की बात बताई गई है। ऐसा लग नहीं रहा था कि वुड बेयर फ्रूट इमीडिएटली, कि उनका कोई तुरंत हल निकलेगा। अब देखिएगा इसका दोबारा समझिएगा पूरा क्या कहना चाह रहा है। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन दैट आगे जो कहा गया है उसके लिए है वुड बेयर फ्रूट इमीडिएटली, कि ये सब का तुरंत कोई समाधान निकलेगा। ऐसा क्या लग रहा था, ऐसा बहुत कम आशा थी इस बात की, ये इसमें कहा गया है। अब देखो इसमें हम क्या समझेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे टू बेयर फ्रूट, इस मुहावरा है ये, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस रिजल्ट, क्या पैदा करना, रिजल्ट पैदा करना, परिणाम पैदा करना, उसका मतलब होता है टू बेयर फ्रूट्स होता है। तो समझ में आ गया ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में दो ही चीज़ें समझाने की थी, एक तो वॉच वाला एक्सपेक्टेशंस आप जानते ही हैं आशा, उसके बाद में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो समझाया जाए। एक वर्ड था ये जिसका आपको क्या बताना था, जिसका आपको बताना था प्रोनंसिएशन, तो वो भी हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में एक मुहावरा था बहुत शानदार, वो हमने देख लिया है, और इमीडिएटली का मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार तरीका है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तरीका, आप लोगों को कैसा लग रहा हो आप जरूर बताइए। हाउ एवर फिर भी स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, स्टेटमेंट्स कथन जो आ रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से, फ्रॉम एन से बोथ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, बोथ का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, दोनों साइड कौन कौन सी साइड, चाइना की साइड और इंडिया की साइड, जहाँ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, दैट की द टॉक्स, कौन सी बातचीत, अब इसके साथ द आ गया देखो, क्योंकि अब पता है आइडेंटिफाइड हो गए कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं। टॉक्स विल कंटिन्यू, कि वार्तालाप जो है, बातें वो कंटिन्यू रहेंगी, ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता क्या है कि दैट टॉक्स विल कंटिन्यू, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इंडिकेट करता है, क्या करता है, ये संकेत देता है अ डिज़ायर, एक इच्छा की तरफ टू रिजॉल्व द सिचुएशन। हालांकि ये स्टेटमेंट जो दोनों तरफ से आ रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी, वो स्टेटमेंट ये संकेत देते हैं, क्या संकेत देते हैं, ये स्टेटमेंट्स इसका सब्जेक्ट है इसलिए इंडिकेट वर्ड आई है, वो ये इंडिकेट करते हैं, ये संकेत देते हैं एक इच्छा की तरफ, क्या इच्छा है, टू रिजॉल्व द सिचुएशन, इस सिचुएशन का समाधान ढूंढने की इच्छा की ओर संकेत करते हैं। रिजॉल्व का मतलब होता है टू सॉल्व, ये हमने यहाँ लिख दिया है, समाधान निकालना, SOLV, सॉल्व, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द फॉरेन अफेयर्स, ये हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये उन लोगों का हैव ऑल्सो, देखो एंड से जुड़ गया तो क्या हो गया, हैव आ गया, क्योंकि एंड से जुड़ गया तो प्लूरल हो गया ना, तो हैव आ गया, है ऑल्सो अच्छा बड़ा है, रिटरेट होता है, रिटरेट का मतलब होता है बात को दोहराना, रिटरेट, REI शानदार वर्ड है भाई याद कर लेना, REITERATE, रिटरेट का मतलब होता है बातचीत को दोहराना, दोबारा कहना, देखो इसको हमने यहाँ लिख दिए सारे, क्या क्या वर्ड है इसके लिए, रिपीट, रीस्टेट, रिकैपिचुलेट, इसका भी होता है समरी करना, वापस से समझाना, रिकैपिचुलेट, तीन वर्ड हैं, तीनों के तीनों वर्ड आप याद कर लेना, इसकी PDF जब आपको मिल जाएगी तो आप इसका रिवीजन जरूर करना, हमने ये जो किया है वो इसीलिए किया है कि आपको PDF मिल जाए ताकि आप रिवीजन कर सकें, वरना बेटा एक बार सुनने से कुछ भी याद नहीं होता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा भी बता दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहना है, कुछ याद नहीं रहना है, अगर आपके पास ये PDF रहेगी तो आप जब चाहें इसका रिवीजन कर लेंगे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। हाउएवर स्टेटमेंट जो दोनों तरफ से आ रहे हैं वो इच्छा जताते हैं, MEA उन्होंने रिटरेट इस बात को दोहराया है, देयर कमिटमेंट,
अपने कमिटमेंट को उन्होंने दोहराया है टू अबाइड बाई। अबाइड के साथ हमेशा बाई प्रपोजिशन आता, ध्यान करना। अबाइड बाई का मतलब होता है फॉलो करना, ओबे करना, कानून का पालन करना, उस बात को मानना, अबाइड बाई होता है। दोनों ने अपने कमिटमेंट को क्या किया है, दोहराया है। किस कमिटमेंट को? टू अबाइड बाई, कि वो ओबे करेंगे, वो फॉलो करेंगे एग्रीमेंट्स जो समझौते हुए हैं बिटवीन किनके बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बीच में जो समझौते हुए हैं उनको वे फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे। विच जॉब, कौन एग्रीमेंट्स, विच किसके लिए आए एग्रीमेंट्स, विच केम आफ्टर, जो एग्रीमेंट्स बाद में आए थे, किसके बाद में, द लास्ट, पिछला, बिग स्टैंड ऑफ, पिछला जो बहुत बड़ा गतिरोध हुआ था, हम जानते हैं डोकलाम में गतिरोध हुआ था, उसके बाद जो एग्रीमेंट्स आए थे, एक्ट कहाँ, डोकलाम में इन 2017। क्या था एग्रीमेंट? टू नॉट अलाउ, एग्रीमेंट ये था कि टू नॉट अलाउ, कि हम अलाउ नहीं करेंगे डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद, टू एस्केलेट, कि डिफरेंसेस बढ़ नहीं जाएं, एस्केलेट का मतलब होता है ऊपर उठ जाना, और ज़्यादा गहरा हो जाना, सोर, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ के जाना, माउंट और ऊपर चला जाना, सर्ज और ऊपर हो जाना। उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि डिफरेंसेस नॉट अलाउ, डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे, टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, किसमें, कि वो विवाद में नहीं बदल जाएं। ऐसा नहीं है कि मतभेद को किसे बना लेंगे, विवाद में बदल जाए, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट किया था। और टू अबाइड बाई, ऐसा उन्होंने दोहराया, दोनों लोगों ने किस बात को, अपने इस कमिटमेंट को दोहराया था। अब देखिए नेक्स्ट इसका पैराग्राफ देखिएगा, ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, किसके दौरान, डोकलाम इंसिडेंट के दौरान, इवन आफ्टर ए मीटिंग, इवन आफ्टर के बाद भी, इवन आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन किन के बाद भी, द लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ मीटिंग्स, बिटवीन द लीडर्स, लीडर्स के बीच में, ऑन द साइडलाइन ऑफ ए G20 समिट, थोड़ा पीछे जाएंगे, G20 की जो समिट हुई थी उसके अलावा भी टॉक्स हुई थी, बिटवीन लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ ए G20 समिट, इट हैड टेकन, उसके अलावा भी, G20 की साइडलाइन जो मीटिंग हुई थी उसके अलावा भी, इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स, एंगेजमेंट्स का मतलब टॉक्स है यहाँ, बहुत सारी, सेवरल यानी अनेक हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुई हैं, टू इंश्योर, क्या करने के लिए, इंश्योर ये निश्चित करने के लिए, इंश्योर का मतलब होता है टू मेक सर्टेन, निश्चित करने के लिए, ए ड्रो डाउन, ड्रो डाउन का मतलब होता है सेना वगैरह की संख्या को कम करना, देखिएगा इसका वर्ड हमने लिख दिया है, ड्रो डाउन का मतलब होता है रिडक्शन इन साइज और प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री फोर्स, तब जाके निश्चित हुआ क्या, कि ड्रो डाउन टू द 73-day स्टैंड ऑफ, तब जाके किसके, G20 की समिट हुई उसके बाद भी सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुए हैं, क्या निश्चित करने के लिए, ड्रो डाउन कम करने के लिए, टू द 73-day स्टैंड ऑफ, 73 दिन का जो स्टैंड ऑफ गतिरोध हुआ था उसको कम करने के लिए, उसकी साइज को कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए, मिटाने के लिए बहुत प्रकार के हाई लेवल की मीटिंग्स की भी आवश्यकता हुई थी। तो ये था आज का हमारा द हिंदू का शानदार एडिटोरियल का सेशन। यदि आपको सेशन ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।